हे गाइस, आई एम रजत फ्रॉम जेबी रिव्यू एंड आज मैं करने वाला हूँ इस यूएसबी मिनी पोर्टेबल कंप्यूटर वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इधर एक वैक्यूम क्लीनर भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा काम आती है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा काम आती है कीबोर्ड क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है सब। तो इसको इसके बैक साइड में देखते हैं क्या क्या लिखा है, तो आप पढ़ के देख लीजिए क्या क्या लिखा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको पेटीएम से मंगाया और इसका जो प्राइस है मुझे लगता है सबसे अच्छी प्राइस मिलेगी आपको पेटीएम पर, आपको सबसे अच्छा प्राइस मिलेगी। उस वहाँ पर कुछ कैशबैक भी मिल जाएगा तो 250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे वेबसाइट में आपको 300 या फिर 350 रुपये उससे भी या फिर उससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ ऐसा है एंड इसको अनबॉक्स करते हैं। अरे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, एक शायद कंप्यूटर कोड है और उसके नीचे कलर दिया गया है क्या क्या कलर में अवेलेबल है एंड यहाँ पर पावर डायरेक्टरी फ्रॉम एनी यूएसबी पोर्ट ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर यूएसबी इसको हटा के देख लेते हैं क्या क्या है। इधर इधर आपको सबसे पहले मिल जाता है एक वैक्यूम क्लीनर जो है, तो ये शायद आप देख पा रहे हैं। तो इधर यहाँ पर एक लाइट भी दिया गया है एंड इधर एक और क्या बोलते हैं उसको और मुँह दिया गया है क्लीन करने के लिए। तो इधर इसको खोल के आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये लगा दिया इसको खोल के, लग नहीं रहा, हाँ लग गया। इसको क्लीन करते करते वो इसको यहाँ से क्या बोलते हैं वैक्यूम करेगा या यहाँ से क्लीन करेगा जो भी आपका डस्ट रहेगा। और उधर अंदर देख सकते हैं कि नीले कलर में वो मोटर दिया गया है जिसके हेल्प से वो सब कुछ करेगा ये सब काम। और यहाँ पर एक यूएसबी से चलता है, ये देखिए यूएसबी का पोर्ट एंड और सब कुछ है एंड इधर है स्विच जिससे कि ऑन होगी, तो ऐसे स्विच है। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं काम में ले रहा हूँ मेरा जो पिछले वाले जो मैं अनबॉक्स किया था वो पावर बैंक FUY का। तो हो सकता है कि आपके पावर बैंक में ना भी चले क्योंकि एक एक पावर बैंक की अलग अलग क्या बोलते हैं वोल्टेज होती है इसलिए। तो मेरा ये पावर बैंक भाई बहुत अच्छी सर्विस दे रही है, मैंने पिछली वीडियो में अनबॉक्स किया था इस पावर बैंक को और बहुत पोर्टेबल भी है आप देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जब वहाँ पर जाकर देख लो ये पावर बैंक की अनबॉक्सिंग। एंड ये रहा आइटम एंड ये रहा पावर बैंक। तो यहाँ पर मैं चला कर देखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर स्विच है तो स्विच को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और साउंड भी सुन सकते हैं शायद कि साउंड कैसा हो रहा है, जितना भी जंक है सब कुछ ये क्लीन कर देगा। ठीक है, तो मुझे अभी तो मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ थोड़ा सा सर्फ बस। और ये मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ देख रहा है कि ये क्या बोलते हैं इसको कांटी वाली चीज़ जो कि बस कीबोर्ड या फिर उस तरह की कोई चीज़ अपन अगर आप साफ करेंगे जिससे कि कोने कोने में धूल जमाए तो ही काम में आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर कोई स्मूथ जगह पे जैसे कि यहाँ पर मैं करने वाला हूँ स्मूथ जगह पे तो इसको आप यही वर्शन लगा सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ लगा सकते हैं स्मूथ जगह से कोई डस्ट निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको काम में ले रहा हूँ, तो मेरे पावर बैंक से अब जुड़ा है स्विच ऑन करता हुआ और देखिए लाइट भी दिया गया है, बहुत पावर है इसमें। तो देखिए कैसे किस हो रहा है, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। तो वही कागज भी उठा लिया, देखिए क्या हालत हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ जो बैक करता है देखिए क्या हालत हो चुकी है। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये जब मतलब कोई चीज़ हासिल नहीं करना कर पाता या फिर कोई बड़ा चीज़ नहीं सौंप पा रहा है तो वहाँ पर ये क्या करती है कि बहुत पावर यूज़ करता है। ठीक है, इसको उस चीज़ को हासिल करने के लिए या फिर उस डस्ट को निकलने के लिए बहुत पावर यूज़ करते हैं ये। तो मैं इसको अभी खोलता हूँ आपके सामने, देख लीजिए भाई बहुत डस्ट निकलेगा, देखिए इसके अंदर डस्ट भरा हुआ है।
ऐसे निकलती है, ठीक है। और भी बहुत सारा जमा हुआ है अंदर, तो इसको हमें खोलना है ऐसे। हाँ, इसको खोलना है ऐसे, देखिए। और यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है जिससे कि अंदर नहीं घुसेगी है चीज, लेकिन मुझे पता नहीं कि इससे कैसे साफ करते हैं भाई। बाप रे बाप। और ये लाइट दिया गया है जिससे कि कोई अंधेरे में या फिर अंदर से कोई चीज़ धूल निकालनी हो तो आप लाइट के माध्यम से कर सकती है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो, एंड ये चीज़ भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो। अभी मुझे सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले आज निकल देंगे मुझे घर से। साइड में भी बहुत सारा गिर गई है ये चीज़। तो मैं आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड मेरा गिव अवे कॉन्टेस्ट वो जो मैंने किया था कुछ दिन पहले तो वो अभी भी चल रहा है, तो प्लीज उसके लिंक भी आप नीचे पा जाओगे तो उसको भी जाके देखो और पार्टिसिपेट करो गिव अवे में। हो सकता है कि आप भी जाओ गिव अवे, क्योंकि पार्टिसिपेटर कंप्यूटर बहुत ही कम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।